Good morning, students. We are going to start with the revision of Indian economy today because your revision test 2 comprises of the syllabus from Indian economy. ठीक है? तो Indian economy में जो हमारा first chapter है, it is Indian economy on the eve of independence. Both of you wear your masks with it. Indian economy on the eve of independence. तो इसमें economy को different sectors में डिवाइड करके बताया हुआ है, जैसे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड सेक्टर की क्या पोजीशन थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. देन यू हैव आल्सो बीन टोल्ड अबाउट द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया. डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है, डेमोग्राफी वर्ड रिलेट करता है पॉपुलेशन के साथ. तो पॉपुलेशन के क्या फीचर्स थे, क्या बर्थ रेट, क्या डेथ रेट, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्या सिचुएशन थी. ठीक है. देन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बताया गया है कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो उस टाइम पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि हमारी बेसिक फैसिलिटीज जो होती हैं कंट्री की, उनकी सिचुएशन क्या थी. ठीक है. देन यू बीन ऑल्सो टोल्ड अबाउट द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि किस तरह से हमारी जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में डिवाइडेड थी. ठीक है. सो सबसे पहले आपको कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ. ठीक है. यू कैन नोट इट डाउन विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नो क्वेश्चनिंग विच मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. क्योंकि अब आपका बोर्ड का पेपर आना है तो आपको एनसीईआरटी में से कोई भी एक लाइन में से क्वेश्चन बन के आ सकता है. ठीक है. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो इंडियन इकोनॉमी थी, इट वॉज नंबर वन अ फीडर इकोनॉमी. लिख लो बेटे, फीडर इकोनॉमी. फीडर इकोनॉमी क्या होती है? फीडर इकोनॉमी जो फीड करती है. ठीक है. सो इंडियन इकोनॉमी किसको फीड कर रही थी? इट वॉज द मेन सप्लायर ऑफ रॉ मटीरियल टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री. ब्रिटिश ब्रिटेन में उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी तो अपनी इंडस्ट्रीज के लिए उनको रॉ मटेरियल की जरूरत थी. रॉ मटेरियल इंग्लैंड में नहीं था तो वो कहां से रॉ मटेरियल लेते थे? इंडिया से. सो जितना भी रॉ मटेरियल था ब्रिटिश इंडस्ट्री का, वो कौन फीड करता था उनको? इंडिया करती थी. सो इंडियन इकोनॉमी क्या बन गई? फीडर इकोनॉमी बन गई. ठीक है. देन इट वॉज ए सेमी फ्यूडल इकोनॉमी. सेमी फ्यूडल इकोनॉमी यानी ना तो ये पूरी तरह से फ्यूडल थी और ना ही पूरी तरह से कैपिटलिस्ट थी. सेमी फ्यूडल मतलब कैपिटलिज्म और फ्यूडलिज्म का मिक्स था. ठीक है. कैपिटलिज्म होता है जब कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कैपिटलिस्ट हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खोल के बैठे हुए हैं. ठीक है. फ्यूडलिज्म जो था वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्जिस्ट करता था. फ्यूड, बड़े बड़े फ्यूड होते थे. फ्यूड कौन होते हैं? जमींदार. ठीक है. सो दे वुड बी होल्डिंग द इंटायर एग्रीकल्चरल सेक्टर इन देयर ओन हैंड्स. ठीक है. जो एक हमारा जमींदारी सिस्टम इंडिया में प्रिवेल करता था, पता है आपको? क्या ये शुरू से इंडिया में प्रिवेल करता था? नहीं, ये ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया. लिख लो ये भी, 1893, इन द ईयर 1893, लॉर्ड कॉर्नवेलिस गेव बर्थ टू फ्यूडल रिलेशंस. लैंडलॉर्ड टेनेंट की रिलेशनशिप उसने स्टार्ट की, जिसमें लैंडलॉर्ड्स जो थे वो अपने टेनेंट से बहुत हाई रेट ऑफ लगान चार्ज करते थे. मूवी देखी है आपने लगान? इट वॉज ऑल अबाउट दे वॉन्टेड दी जमींदार्स टू एग्जम्प्ट देयर लगान, क्योंकि उस टाइम पे मॉनसून नहीं आया था तो उनकी खेती नहीं हुई थी, उनके पास प्रोडक्शन नहीं थी, वो कहां से लगान देंगे. लेकिन दे डिड नॉट अग्री टू इट. डिड दे अग्री टू इट? नहीं. सो उनके लिए उनको कितना कुछ, ये चलो एक मूवी थी लेकिन आपको एक पिक्चर क्लियर होती है कि उस टाइम पे कितना एक्सप्लॉयटेशन होती थी टेनेंट की. ठीक है.
तो दिस सिस्टम वॉज क्वाइट क्रूअल टू द कल्टीवेटर. कल्टीवेटर जो बेटा बेचारा धूप में सारा सारा दिन सड़के काम करता था, इन द एंड उसके हिस्से कुछ नहीं आता था, अपनी प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा नहीं आता था. तो कैपिटलिज्म था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, फ्यूडलिज्म था एग्रीकल्चर सेक्टर में. तो हम क्या कह देते हैं, हमारी इकोनॉमी क्या थी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी. देन इट वॉज अ स्टेग्नेंट इकोनॉमी. स्टेग्नेंट, स्टेग्नेंट कौन सी इकोनॉमी होती है, जिसमें रुकी हुई इकोनॉमी, यानी पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ ऑलमोस्ट कांस्टेंट थी, 0.5% बढ़ रही थी हमारी पर कैपिटा इनकम हर साल. मतलब आज अगर ऑन एन एवरेज एक पर्सन 100 रुपया कमाता है, उस टाइम पे बेटे 100 रुपए भी बहुत ज्यादा होते थे पूरे साल के, तो अगले साल उसकी इनकम कितनी बढ़ेगी, 50 पैसे, कितनी होगी, 100.5. सो ऐसी इकोनॉमी मतलब रुकी हुई इकोनॉमी है, इसमें पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ नहीं हो रही, ऐसी इकोनॉमी को कहते हैं स्टेग्नेंट इकोनॉमी, जहां पर डेवलपमेंट एब्सेंट है, वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ डेवलपमेंट. एज अ रिजल्ट द लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ठीक है, अब कैसे पता चलता है कि पर कैपिटा इनकम कॉन्स्टेंट थी. आज हमारे पास एक विंग है जो कि नेशनल इनकम के एस्टिमेट्स को मेजर करता है, हमारी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है. उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था. सो उस टाइम पे बेटे इंडिविजुअल्स ने अपने एफर्ट्स किए इंडिया की नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए. मेनी इकोनॉमिस्ट्स मेड देयर एफर्ट्स, बट उसमें से जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट एस्टिमेट है, दैट इज मेड बाय, लिख लो, दादा भाई नारोजी. ये सॉरी फर्स्ट एस्टिमेट्स प्रोवाइड किए गए दादा भाई नारोजी से ने 1867-68 में. दादा भाई नारोजी ने 1867-68 के एस्टिमेट्स दिए. उन्होंने कहा कि उस टाइम पे इंडिया की नेशनल इनकम ₹340 करोड़ थी और पर कैपिटा इनकम ₹20 पर एनम. मतलब एक साल में एक पर्सन कितना कमाता था, 20 रुपए. ठीक है, इसके अलावा और भी नाम लिख लो, विलियम डिगबे, फिंडले शिराज, वी के आर वी राव, आर सी देसाई, इन सब ने नेशनल इनकम एस्टिमेट की. नोटेबल एस्टिमेटर्स थे इसमें से, सबके सबसे ज्यादा एक्यूरेट एस्टिमेट थे वी के आर वी राव, लिख लो, फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेट वी के आर वी राव 1931-32 की नेशनल इनकम उसने एस्टिमेट की. नेशनल इनकम उसने कहा 1689 करोड़ है इंडिया की, 1689 करोड़, और पर कैपिटा इनकम 62 रुपीज. ठीक है, तो जितनी भी हमारी स्टडीज हैं वो यही बताती हैं कि 1947 के टाइम पे तक इंडिया की नेशनल इनकम में जो ग्रोथ थी दैट वाज ओनली 2% और लेस देन 2%, और पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ कितनी थी, 0.5%. पर कैपिटा इनकम में लो क्यों थी, बता सकते हो, व्हाट कुड बी द रीजन? टोटल इनकम 2% बढ़ रही है, एवरेज इनकम 0.5% बढ़ रही है, क्यों बेटे? पॉपुलेशन बढ़ती गई ना. एवरेज इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन. तो डिनोमिनेटर क्या है, पॉपुलेशन. अगर पॉपुलेशन न्यूमरेटर से ज्यादा बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली रेशो लो हो जाएगी. ठीक है, ओके. और उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी जो थी वो डेप्लीटेड इकोनॉमी थी. डेप्लीटेड इकोनॉमी मींस हमारे जो
रिसोर्सेस थे वो डिप्लीट हो गए थे, खत्म हो गए थे, कोई एफर्ट नहीं किया गया उन डिप्लीटेड रिसोर्सेस को रिप्लेस करने के लिए। फिर हमारी इकोनॉमी बेटे डिपेंडेंट इकोनॉमी भी थी, डिपेंडेंट, इट वॉज डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज फॉर स्पेशली प्लांट एंड मशीनरी नीडेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। कंट्री को डेवलप करने के लिए प्लांट एंड मशीनरी की जरूरत थी, वो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं होती थी, तो वो हमें फॉरेन कंट्रीज के ऊपर उसके लिए डिपेंड करना पड़ता था, ठीक है। देन डेमोग्राफिक फीचर्स क्या थे, बर्थ रेट वॉज क्वाइट हाई, डेथ रेट वॉज ऑल्सो क्वाइट हाई, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम था। ये हमने कॉमन एलिमेंट्स इकोनॉमी के स्टडी किए। अब इसके बाद हम सेक्टर वाइज स्टडी करेंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चरल सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए दो वर्ड्स याद रखने हैं, बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट, बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट। बैकवर्ड था हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है, इट वॉज डिपेंडेंट अपॉन ट्रेडिशनल मीन्स, कोई मैकेनाइजेशन नहीं थी, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करते थे हम, इसीलिए वल्नरेबल भी बहुत ज्यादा था। वल्नरेबल मीन्स इट वॉज प्रोन टू रिस्क। कितने परसेंट लोग एग्रीकल्चर में काम करते थे उस टाइम पे, 72-75% टोटल वर्कफोर्स में से 72-75% डिपेंडेड अपॉन एग्रीकल्चर फॉर द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, और वह नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कितना करते थे, अबाउट 58%, ठीक है। 100 बच्चे या 75 बच्चे एक काम कर रहे हैं और कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं टोटल प्रोडक्शन में, सिर्फ 58%, इसका मतलब उनकी प्रोडक्टिविटी लो है। सो इट वॉज द साइन ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। सो देखते हैं कारण क्या थे, व्हाई इंडियन इकोनॉमी वॉज, इंडियन एग्रीकल्चर वॉज स्टेगनेंट। बेटे एक ऐसा सेक्टर जिसमें कंट्री के 70-75% लोग एम्प्लॉयड हैं, वो स्टेगनेंट है, अंडर डेवलप्ड है, बैकवर्ड है, क्या कारण थे। वन, जमींदारी सिस्टम, वन रीजन वॉज जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम प्रिवेल करता था, बड़े बड़े जमींदार थे जो अपना लैंड जो है टेनेंट्स को देते थे और टेनेंट्स से वो लगान चार्ज करते थे और उनसे वो लगान चार्ज करके उसका कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को देते थे, क्लियर। सो ये जो जमींदार सिस्टम था ये एक्सप्लॉयटेटिव था, मैं दिन रात धूप में सड़के काम कर रही हूं, इन दी एंड पूरे साल के बाद मेरा हिस्से क्या आया, दो रोटी, तो अगले साल मैं क्या करूंगी, मैं क्यों मेहनत करूं, ठीक है। अब जो जमींदार है वो क्या सोचता है, वो सारा दिन घर में बैठा हुआ है आराम से, क्योंकि काम कौन कर रहा है, टेनेंट कर रहा है, उसको घर बैठे बैठे इतनी कमाई हो रही है, लगान मिल रहा है, वो भी क्यों परमानेंट, वो इंप्रूवमेंट क्यों करेगा अपने लैंड के ऊपर, उसको क्या पड़ी अपनी कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करने की, जब उसको घर बैठे इतना प्रॉफिट आ रहा है, तो वुड ही मेक एनी एफर्ट्स, आपकी फैक्ट्री है बेटे, आपको कोई कहता है कि इसमें इतना इन्वेस्ट करोगे इतनी रिटर्न आएगी, ठीक है, आप करोगे इन्वेस्टमेंट, करोगे, लेकिन अगर आपको लगता है घर बैठे आपको वैसे ही इतनी आ रही है तो आप कहते हो मेरे को क्या जरूरत पड़ी कैपिटल इन्वेस्ट करने, सोच सकते हो ना ऐसे, तो जमींदार भी ऐसे सोचता था। यानी कोई भी एंटिटी ऐसी नहीं थी जो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में परमानेंट इंप्रूवमेंट करने को तैयार थी, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकती थी, ठीक है। देन देयर वाज अ यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्निक्स, उस टाइम पे बैल से प्लो होता था लैंड, सिकल्स का इस्तेमाल होता था, आजकल की तरह ट्रैक्टर्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता था, तो प्रोडक्टिविटी लो थी। तीसरा कारण, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यू नो व्हाट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर,
क्या होता है कमर्शलाइजेशन बेटे? टू शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। पहले वो लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, ब्रिटिशर्स ने आके उनको इनकरेज किया कि कमर्शियल क्रॉप ग्रो करो। इसमें कुछ बुरा नहीं था, लेकिन अभी इंडिया उसके लिए तैयार नहीं था। ब्रिटिशर्स ने उनको फोर्स किया, उनको मोटिवेट किया कैश क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। सबसे पहली बात, ब्रिटिशर्स ने क्यों इनकरेज किया कैश क्रॉप ग्रो करने के लिए, इंडिगो ग्रो करने? वो कहते हैं इंडिगो ग्रो करो। इंडिगो क्या होता है पता है आपको? क्या होता है इंडिगो? इंडिगो एक प्लांट है जिसमें से एक डाई निकलती है इंडिगो, नील। नील सुना, घर में नील लगाते होते थे पहले व्हाइट कपड़ों के ऊपर, ठीक है? वो डाई होती है, इट्स अ डाई। ये डाई ब्रिटिशर्स को अपनी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ब्रिटेन में चाहिए थी। ये उगता था, इसकी खेती की जाती थी इंडिगो की, ठीक है? तो कौन उगाएगा? इंडिया के पास ही तो लैंड है, इंग्लैंड में तो नहीं उगेगा। लेकिन इंडियन फार्मर्स क्या ग्रो कर रहे हैं? व्हीट और राइस, कौन सी है? फूड क्रॉप्स है। तो ब्रिटिशर्स ने उनको क्या किया, उनको एडवांस पेमेंट दे दी कि आप ना इंडिगो ग्रो करो, हम आपको इतने पैसे देंगे। फार्मर भी बहकावे में आ गया, ठीक है? उसने इंडिगो ग्रो करना शुरू कर दिया। जब फार्मर ने इंडिगो ग्रो करना शुरू कर दिया, अब ब्रिटिशर्स ने उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, यानी उनको अब इंडिगो के कम पैसे देने शुरू कर दिए। अब पहले क्या होता था, फार्मर व्हीट और राइस ग्रो करता था, कम से कम उसकी फैमिली का पेट तो भरता था। अब ब्रिटिशर्स उससे इंडिगो ग्रो करवा रहे हैं, तो उसके पास व्हीट और राइस है ही नहीं है। तो जो पैसे आते थे उससे वो मार्केट में जाके व्हीट और राइस खरीदता था और फिर अपनी फैमिली का पेट भरता था। तो इसके करके वो डेट ट्रैप में फंसता गया, क्योंकि पैसे कम मिलते थे, व्हीट और राइस महंगी आती थी, ठीक है? पहले कम से कम उसको मार्केट तो नहीं जाना पड़ता था, घर से निकल रही थी सारी चीजें, लेकिन अब वो और डेट ट्रैप में फंसता गया। तो जब बेटे फार्मर डेट ट्रैप में फंस जाएगा तो फार्मिंग कैसे इनकरेज होगी ना, कैसे डेवलप होगी? सो दिस वॉज दी वन रीजन वाई एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज बैकवर्ड, कमर्शियल यूज ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, ठीक है? Then heavy dependence on rainfall was also there. कोई permanent means of irrigation नहीं थे, किसके ऊपर depend करते थे हम? Rainfall के ऊपर depend करते थे। Good rainfall implied good harvest, bad rainfall implied bad harvest. So ये uncertain होता था, rainfall अच्छी आएगी कि नहीं, so agricultural sector remained under developed, ठीक है? So these were certain reasons why agricultural sector was backwards. Next बात करते हैं industrial sector की। Industrial sector भी बेटे बहुत ज्यादा poor था, उसका कारण भी ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स जब आए उन्होंने systematic deindustrialization की policy adopt की, systematic deindustrialization. Systematic means planned way में, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन का खात्मा कर दिया, एबॉलिश कर दी। ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए। वो इंडिया से गुड्स खरीदते थे हैंडीक्राफ्ट्स और उसको फॉरेन कंट्रीज में बेचते थे जहां पे इनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। पीपल वर विलिंग टू पे हाई प्राइसेस फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्री थी, ठीक है? लेकिन ब्रिटिशर्स आए तो उसी का फायदा उठाने आए थे, लेकिन इन द मीन टाइम इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई, मशीनी गुड बनने लग गए। अब जब मशीनों पे गुड्स बनते हैं तो मास प्रोडक्शन होती है, तभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है ना बेटे, क्योंकि गुड्स मास स्केल समझ गए, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन होती है, ठीक है? अब इतने गुड्स प्रोड्यूस करके क्या करोगे जब उनकी डिमांड ही नहीं है? फायदा है तो फिर क्या करना है? मार्केट ढूंढनी पड़ेगी गुड्स के लिए। मार्केट कहां से मिली उनको? इंडिया में। उन्होंने सोचा क्यों ना अपने प्रोडक्ट्स हम इंडिया में बेचें। तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में बेचने शुरू कर दिए। ड्यूटी बहुत कम लगाई जब वो
इंग्लैंड से गुड्स यहाँ पे आते थे, ड्यूटी नहीं लगाते थे, ताकि 100 रुपए वाला गुड 100 रुपए का या 101 रुपए का आके बिके, 120 का नहीं बिके। क्यों? सस्ता बिकेगा तो इंडियंस खरीदेंगे, मोरओवर एक उनकी क्वालिटी बढ़िया थी, मशीन पे बने हुए थे, दूसरा ड्यूरेबल थे, सालों साल चलते थे क्योंकि मशीन के बने हुए थे, सिंथेटिक रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, तीसरा बहुत लो प्राइसेस पे अवेलेबल थे। तो इंडियन स्टार्टेड परचेजिंग दैट। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की डिमांड, गुड्स की डिमांड कम हो गई, सो इस तरह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय होती गई। गॉट इट? अब एक इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय होती है, अब ऑफलाइन टीचिंग मोड खत्म हो गया तो उसकी जगह किसने ली? ऑनलाइन मोड ने। अगर हम ऑनलाइन नहीं शुरू करते तो क्या होता? एजुकेशन सेक्टर डूब जाता या नहीं? आप तो खुश हो जाते लेकिन एजुकेशन सेक्टर डूब जाता? यही इंडिया में हुआ, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई लेकिन उसकी जगह मॉडर्न इंडस्ट्री ने नहीं ली। लेनी चाहिए थी, क्यों नहीं ली? ब्रिटिशर्स चाहते ही नहीं थे। अगर इंडिया में इंडस्ट्री खुल जाती तो ब्रिटेन के गुड्स की डिमांड कम हो जाती, ठीक है? तो इसीलिए उसने, ब्रिटिशर्स ने मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप नहीं की, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय कर दी। ब्रिटिशर्स ने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी गेम खेली उन्होंने, जैसे हमारे ऊपर राज कैसे किया, डिवाइड एंड रूल, पढ़ते हो हिस्ट्री बुक्स में, डिवाइड एंड रूल, लोगों को डिवाइड किया रिलीजन के बेसिस पर, यूनिटी खत्म, जहां पे डिवीजन है वहां पे रूल कर सकते हो। इसी तरह इंडियन इंडस्ट्री को कैसे डिस्ट्रॉय किया? बाय मेकिंग यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी मींस भेदभाव वाली। एक होता है ना, गुड्स इंग्लैंड से आ रहे हैं, आप उन पे लो ड्यूटी लगा रहे हो, है ना? उन्होंने क्या किया, जो वहां पर, वहां से फिनिश्ड गुड्स आ रहे थे उनके ऊपर ड्यूटी कम लगाई, ठीक है? जो यहां से गुड्स जा रहे थे उनके ऊपर ज्यादा लगाई? नहीं। जो यहां से रॉ मटेरियल जा रहे थे उसके ऊपर कम लगाई, क्योंकि वो कौन खरीद रहा था? ब्रिटिशर्स खरीद रहे थे, वो सस्ता खरीदना चाहते थे तो उसके ऊपर ड्यूटी कम लगाई। और जो यहां से फिनिश्ड गुड्स जाते थे, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स, उनके ऊपर ड्यूटी ज्यादा लगाई ताकि उसकी मार्केट में डिमांड कम हो जाए। स्मार्ट गेम दे प्लेड। दिस डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लेड टू दी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। एज अ रिजल्ट हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई, हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री, अ फ्यू इंडस्ट्रीज, वो भी ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं किया, मॉडर्न इंडस्ट्री के नाम पे हमारे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी खुली, टिस्को, वो भी लिख लो, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एस्टेब्लिश्ड इन 1907, ठीक है? ये प्राइवेट सेक्टर में खुली, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। फिर कुछ शुगर इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्री, ठीक है, ये सेटअप हुई ब्रिटिश कैपिटल के साथ, लेकिन जो इनके प्रॉफिट्स थे वो इन कंपनीज में री इन्वेस्ट करने की बजाय ब्रिटेन अपनी कंट्री में ले जाता था। ऐसे नहीं, आपने सुना हुआ है कि इंडिया सोने की चिड़िया थी और सारी वेल्थ कहाँ गई? ब्रिटेन में गई। दे ड्रेन्ड दी वेल्थ, ठीक है, हमारा गोल्ड, हमारे जेम्स, हमारी ज्वेलरी, नॉट ओनली दैट, हमारे जितने भी गुड्स, जो हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस होता था वो भी ब्रिटेन चला जाता था, ठीक है?
So this was the situation of industrial sector at the time of independence. ठीक, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा था? इंफ्रास्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? वो बेसिक फैसिलिटीज जो कि हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्पफुल होती हैं, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने में, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस. उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन डेवलप था या नहीं? रेलवे इज अ कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. रेलवे किसने स्टार्ट किया? ब्रिटिशर्स ने. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवे इन 1850. सेटअप हुआ था 1850 में, ऑपरेशंस शुरू हुए थे 1853 में. तो अगर एमसीक्यू आ जाता है तो ध्यान से पढ़ना है. ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवे इन द ईयर 1850. रेलवे बिगेन इट्स ऑपरेशंस इन 1853. पहली ट्रेन कौन सी चली थी? सबको पता होता है मुझे, बॉम्बे टू थाने. ठीक है, 34 किलोमीटर्स के डिस्टेंस उसने कवर किया था. सो 1900 तक काफी गवर्नमेंट ने 40,000 किलोमीटर रेलवे लाइंस एस्टेब्लिश कर दी थी. सो रेलवे हम वी कैन नॉट डिनाय कि इसका जो क्रेडिट है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, रेलवे सेटअप हुई, उसका क्रेडिट किसको जाता है? ब्रिटिशर्स को जाता है. लेकिन क्या ब्रिटिशर्स ने हमारी डेवलपमेंट के लिए ऐसा किया? क्यों किया? ताकि वो रॉ मटेरियल जो है इंडिया के इंटीरियर से पिक करके पोर्ट्स तक पहुंचा सके. ठीक है, फिर पोस्ट एंड टेलीग्राफ भी ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया. पोस्ट एंड टेलीग्राफ, उस टाइम पे टेलीफोन वॉज नॉट मच इन यूज, तो जितनी भी कम्युनिकेशन होती थी, देखो ब्रिटिशर्स तो ब्रिटेन से आए थे रूल करने के लिए यहाँ पे, उनको वहां से ऑर्डर्स मिलते थे, क्वीन विक्टोरिया से ऑर्डर्स मिलते थे कि क्या क्या करना है, आगे किस तरह से चलना है. ठीक है, तो उसके लिए उनको कम्युनिकेट करना पड़ता था, तो उसके लिए उन्होंने पोस्ट एंड टेलीग्राफ डेवलप किया. ठीक है, ताकि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ा सकें, कम्युनिकेशन को बढ़ा सकें, कम्युनिकेशन से एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ा सकें. ठीक है, देन रोड्स बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुए ब्रिटिश के रूल में. पावर की भी बहुत ज्यादा जनरेशन नहीं थी. हेल्थ फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा इनएडिक्वेट थी. इरिगेशन फैसिलिटीज आपको पहले ही बता दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए तो ब्रिटिशर्स ने कुछ किया ही नहीं. हाँ, पोर्ट्स जरूर डेवलप हुए. पोर्ट्स क्यों डेवलप हुए? क्योंकि उस टाइम पे जितना भी ट्रेड था बेटे, वो वाटरवेज के थ्रू होता था, थ्रू शिप होता था. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.